हेलो एंड वेलकम योर टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम असाइनमेंट लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं फॉर वर्क एनर्जी एंड पावर। लास्ट क्लास में हमने असाइनमेंट लेक्चर नंबर 3 खत्म किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे। सो लेट मी ओपन द क्वेश्चन। या सो द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास एम इक्वल्स टू 2 kg आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग हैविंग फोर्स कॉन्स्टेंट K is equal to 1000 Newton per meter. System of these blocks and spring is placed on a rough floor. Coefficient of friction between the block and the floor is 0.5. Block B is passed towards left so that the spring gets compressed. Calculate initial minimum compression x naught of the spring such that the block A leaves contact with the wall when the system is released. So I hope आपको question clear हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ब्लॉक बी को अंदर की तरफ प्रेस किया जिसकी वजह से स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गई। ओके, स्प्रिंग में जैसे ही कंप्रेशन आ गई और फिर हमने उसी वक्त ब्लॉक बी पे से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक बी को बाहर की तरफ फेंकेगा। ओके, जैसे ही ब्लॉक बी राइट की तरफ जाएगा तो इस स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा। इस स्प्रिंग में जैसे ही एलोंगेशन होगा तो ब्लॉक ए पे एक फोर्स लग जाएगा, स्प्रिंग फोर्स, और वो ब्लॉक ए को राइट की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कम से कम हम स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन दे जिसकी वजह से ब्लॉक ए राइट की तरफ निकलना चालू हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन नाउ। क्लास लिसन केयरफुली। सपोज यहाँ पर हमने इस बी को कितना कंप्रेस किया, लेट्स से इस बी वाली ब्लॉक को हमने x नॉट से कंप्रेस कर लिया लाइक दिस। लेट्स से दिस इज x नॉट से कंप्रेशन दे दी हमने b को। तो जैसे ही मैंने b को x नॉट से कंप्रेशन दे दी तब इस स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो आई विल राइट डाउन दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन से इट इज हाफ के x नॉट स्क्वायर। इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो गई। ओके, अब जैसे ही क्लास आपने यहां पर से इस ब्लॉक के ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया बी पे, अभी स्प्रिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, ब्लॉक बी को पुश करेगा राइट की तरफ, और ब्लॉक बी राइट की तरफ जाएगा भी। और जैसे ही ब्लॉक बी यहां पर आ गया, यू कैन से ब्लॉक बी यहां पर आ गया एट दिस पोजिशन, लेट से दिस पोजिशन इज एक्स, इसको हमने एक्स बोल दिया। जब ब्लॉक बी अपनी मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे आ गया, तभी ब्लॉक ए मूव करना चालू कर दिया राइट की तरफ। ओके, सो जब ब्लॉक बी, मतलब स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हो गया, स्प्रिंग में इस वक्त एलोंगेशन हो गया एक्स का। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, सो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आई विल से दैट इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के x square minus x naught square. This is the change in potential energy. Clear? समझ में आता है? Okay. Now let's try to solve this question with the help of free body diagram. सबसे पहले block A की बात करेंगे। जब block A इस wall के साथ अपना contact तोड़ देता है, उस वक्त block A पे कौन से forces लग रहे हैं? एक तो इसका खुद का weight, mass कितना है 2 kg, तो weight हो जाएगा 20 newton, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन सेटअप हो जाएगा। एंड फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, एफ फ्रिक्शनल फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स एफ कैपिटल एफ, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स जो इसको आगे खींच के लेके जाएगा, करेक्ट। ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है इट इज म्यू एन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, 0.5, विच यू कैन राइट एज 1/2। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 20, सो 1s are 10, सो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है आपका 10 newton, करेक्ट। स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स वी नो दैट इट इज के इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जब ये ए वाला ब्लॉक वॉल के साथ अपनी कांटेक्ट तोड़ता है तब उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, एलोंगेशन यू कैन से एक्स। फोर्स कितना है हमारे पास, स्प्रिंग फोर्स, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स, सो के का वैल्यू कितना है हमारे पास, के का वैल्यू है 1000, सो आई विल राइट डाउन इट इज इक्वल्स टू 1000x। वी नो दैट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, तभी ही ये ब्लॉक वहां से यहां से कॉन्टेक्ट तोड़ पाएगा अपना, नहीं तो नहीं तोड़ पाएगा। सो एफ का वैल्यू है 1000x और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है 10, 0 0 गेट कैंसल, सो x कम्स आउट टू बी 1/100 meter, विच यू कैन राइट एज 1 cm। तो हमें x का तो वैल्यू आ गया,
एक्स की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। ओके चलो ये चीजें समझ में आती है ना। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स जब ब्लॉक बी एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना काम किया ब्लॉक बी के ऊपर। लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट पार्ट। ओके नाउ क्लास लिसन केयरफुली, व्हेन आई विल से दैट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक बी, सी बी जब यहां पर था तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने ब्लॉक बी पे एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, ब्लॉक बी डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है कुछ, तब उसके ऊपर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ब्लॉक बी ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, इट इज एक्स नॉट प्लस एक्स। सो आई विल राइट डाउन फ्रिक्शनल फोर्स इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स विथ माइनस साइन, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिटली डायरेक्टेड। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10 न्यूटन। सो आई विल राइट डाउन इट इज माइनस 10 एक्स नॉट प्लस एक्स की वैल्यू है 1/100। सो आई विल राइट डाउन 1/100। When you open the bracket, so minus 10 x naught minus 1 upon 10. Correct? Okay. So now we know that work done by the body is equals to change in potential energy minus times. Correct? So what is work done? We know that work done is minus 10 x naught minus 1 by 10. Sorry, plus ho jayega phir wo. Minus times of change in potential energy, that is half k x का square, x का square मतलब 1/100 का square करेंगे, फिलहाल x square लिख देता हूँ, minus x naught square. So minus and minus get cancelled, तो ये हो गया हमारे पास 10 x naught plus 1/10 which is equals to k का value है हमारे पास 1000. So 1000 upon 2, x का value है 1/100, 1/100 का square करोगे, so it comes out to be 10,000 minus x naught square. Correct? Now what we will do, we'll open the bracket. So 1000 upon 2 into 10,000. Okay, minus 1000 upon 2 x naught square. So this and this get cancelled. So 1 upon 2 into 10 comes out to be 1/20 minus 500 x naught square. Aur yahan par ho jayega 10 x naught plus 1/10 like this. Bring all the terms on the left hand side. तो ये हो गया हमारे पास 500 x naught square. Correct? Plus 10 x naught plus 1/10 minus 1/20. So यहाँ पर 2 से multiply कर देंगे, which is equals to 0. Okay? So 2 minus 1 comes out to be 1. So 500 x naught square plus 10 x naught plus 1/20, which is equals to 0. So we will multiply with 20 entire equation को. So we got the quadratic equation. So the value of x naught what we are getting, x naught is equals to 0.01 meter. Means it comes out to be 1 centimeter. So 1 centimeter की initial compression होनी चाहिए थी spring में, तभी ही ब्लॉक क्या करेगा, ए ब्लॉक ए वॉल के साथ अपना कांटेक्ट तोड़ देगा। क्लियर? सो प्लीज कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, या अ स्मॉल बार ए रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अटैच्ड बाय थ्रेड्स टू अ पॉइंट पी एंड बाय मीन्स ऑफ वेटलेस पुली टू अ वेट बी पोजेसिंग द सेम मास एज द बार इटसेल्फ। द बार इज ऑल्सो अटैच्ड टू अ पॉइंट ओ बाय मीन्स ऑफ अ लाइट नॉन डिफॉर्म स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल नॉट 50 सेंटीमीटर एंड द स्टिफनेस के इज इक्वल्स टू 5 mg बाय एल नॉट, वेयर एम इज द मास ऑफ द बार, द थ्रेड पी ए हैज बीन बर्नड, द बार स्टार्ट्स मूविंग टू द राइट, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द मोमेंट व्हेन इट इज ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। ओके सो लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन। जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है, तो कुछ बार ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, थ्रेड से बंधा हुआ है यहाँ पर ब्लॉक ए। जैसे ही मैंने इस थ्रेड को बंद कर दिया या फिर कट कर दिया, जो भी है, बी की वेट की वजह से बी नीचे जाएगा, ब्लॉक ए राइट की तरफ जाएगा, और एक पॉइंट ऐसे आएगा ब्लॉक ए जब राइट की तरफ जा रहा है, स्प्रिंग में क्या होगा, एलोंगेशन होगा, है ना, और उस पॉइंट पर ब्लॉक ए इस सरफेस के साथ अपना कॉन्टैक्ट तोड़ देगा। करेक्ट? ओके, तो इन्होंने यही बोला है, जब ब्लॉक ए सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट तोड़ता है
तो उस वक्त स्पीड कितनी है, ब्लॉक ए की बोलो या ब्लॉक बी की बोलो, दोनों की स्पीड क्योंकि उस पॉइंट पे सेम ही होगी, तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी की किसकी भी स्पीड बोल दो कि कितना है। ठीक है, सो नाउ क्लास लिसन केयरफुली। सपोज हम मान के चलते हैं कि जब ब्लॉक ए इस पोजीशन से हटके इस पोजीशन पे आ गया लाइक दिस, ब्लॉक ए इस पोजीशन पे आएगा, तब ब्लॉक बी कुछ नीचे चले जाएगा थोड़ा बहुत, लेट से ब्लॉक बी यहां पर आ गया, करेक्ट। और एज यू कैन सी स्प्रिंग में क्या होगा, एलोंगेशन होगा लाइक दिस, करेक्ट। एंड द न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, द न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज लेट से एल नॉट प्लस एक्स, कितनी है नई लेंथ इसकी, एल नॉट प्लस एक्स। और यहां पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहां पर एंगल टीटा फॉर्म हो गया, दिस इज एंगल टीटा। ओके चलो इतना पार्ट क्लियर है। सो अभी यहाँ पर क्लास ये पॉइंट पे ब्लॉक ए लिफ्ट कर जाएगा इस सरफेस से, तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे कौन सी फोर्सेस लग रही है। सबसे पहले तो इसका खुद का वेट, दैट इज एम जी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, टेंशन टी इन द राइट डायरेक्शन, ओके। और यहाँ पर होगा स्प्रिंग फोर्स इन द दिस डायरेक्शन। सो ब्लॉक ए का अगर हम FBD बना दे साइड में लाइक दिस, तो ये इसका खुद का वेट दैट इज एम जी। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा इस केस में क्योंकि ब्लॉक अभी लिफ्ट करने वाला है। सो टेंशन टी एंड दिस इज द स्प्रिंग फोर्स FX। कैन आई से दैट स्प्रिंग फोर्स इज मेकिंग एन एंगल टीटा विद द वर्टिकल इफ दिस इज एंगल टीटा ड्यू टू द ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो FS को रिजोल्व करेगा इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, वन विल बी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, अनदर विल बी वर्टिकल कॉम्पोनेंट। सो दिस विल बी FS cos थीटा एंड दिस विल बी FS sin थीटा। सो कैन आई से दैट FS cos थीटा इज इक्वल टू mg? यस वी कैन से दैट। सो FS cos थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, समझ में आता है हम लोग को, करेक्ट। ओके नाउ FS हमें दिया गया है, वॉट इज द वैल्यू ऑफ FX? इट इज KX। सो KX cos थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। नाउ KX मीन्स एलोंगेशन, यू कैन से ओके। सो KX मीन्स दिस एक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, करेक्ट। ओके चलो ये पार्ट क्लियर होता है हमें। नाउ वी विल सी, नाउ वॉट वी विल डू, यहां पर एज वी नो दैट के का वैल्यू कितना है, एम जी फाइ अपॉन एल नॉट। बट उससे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम दिस ट्राइंगल लाइक दिस। इफ दिस इज एंगल थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा वी नो दैट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज एल नॉट अपॉन एल नॉट प्लस एक्स। सो विल राइट डाउन कॉस थीटा इज एल नॉट अपॉन एल नॉट प्लस एक्स, सिंपल। ओके सो कॉस थीटा की वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख देंगे। सो देयरफॉर और के का वैल्यू कितना है, इट इज फाइव एम जी अपॉन एल नॉट, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, एल नॉट अपॉन एल नॉट प्लस एक्स, विच इज इक्वल्स टू एम जी। सी यहाँ पर मैंने के का वैल्यू पुट कर दिया, कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिया एम जी, और हम एक्स भी पुट अप कर देंगे लाइक दिस। सो एल नॉट गेट कैंसल, एम जी एम जी गेट कैंसल, सो इट कम्स आउट टू बी फाइव एक्स इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा फोर एक्स इज इक्वल्स टू एल नॉट, तो एक्स का वैल्यू हो गया एल नॉट बाई फोर। सी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एल नॉट बाई फोर। सो ये वैल्यू हमें आ रही है। ओके नाउ चलो क्लास ये पार्ट तो हमें समझ में आता है, हमें एक्स का वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू कितना है। बट मेरा इंटरेस्ट एक्स नहीं है, हमारा इंटरेस्ट क्या है कि वेलोसिटी कितनी हुई ब्लॉक में। सो नाउ क्लास उसके लिए एक्स भी हमें चाहिए था, एक्स भी जरूरी था हमारे लिए। ओके सो नाउ लेट्स कम बैक टू ओवर हियर, एल नॉट प्लस एक्स, एल नॉट प्लस एक्स कितना होता है वो भी चेक कर लेते हैं। एल नॉट प्लस एक्स का वैल्यू है एल नॉट बाई फोर, सो एल नॉट बाई फोर जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो फाइव एल नॉट बाई फोर आएगा। जैसे कि हमें वैल्यू मालूम पड़ गया फाइव एल नॉट बाई फोर, ओके फाइन। सो लेट्स मूव अहेड, ये वैल्यू हमें फाइव एल नॉट बाई फोर आ गया। हमें फाइंड आउट करना है वॉट इज अ हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जिसकी वजह से एज वी नो दैट एल नॉट प्लस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वायर, और इस डिस्टेंस को हम लोग डी बोल देते हैं, सो डी स्क्वायर, करेक्ट। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस एल नॉट स्क्वायर। व्हाट इज एल नॉट प्लस एक्स, हमने कैलकुलेट कर लिया है फाइव एल नॉट बाई फोर, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव एल नॉट स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस एल नॉट स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा नाइन एल नॉट स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर, दैट इज नाइन एल नॉट स्क्वायर बाई सिक्सटीन। सो d का वैल्यू कितना हो गया थ्री एल नॉट बाई फोर। चलो ये वैल्यू हमें आ गई d की। अभी क्योंकि पता है ब्लॉक a अगर d डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली ब्लॉक b भी तो d डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा।
सो इफ आई आस्क यू टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन दिस एंटायर सिस्टम, ए के ऊपर ग्रेविटी कोई काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ए में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और वेट जो होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। अब बात करते हैं बी पे। बी पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑब्वियसली होगा, मास इन दोनों का सेम बोला था तो एम जी, इसका इसका वेट है एम जी एंड डिस्प्लेसमेंट इज डी, दोनों के बीच में एंगल 0 का, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, हमें पता है। डी का वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज 3L0/4, सो ये हो गया एम जी इंटू 3L0/4, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 3MgL0/4, सो दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ये किसका वर्क डन है? ग्रेविटी का वर्क डन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो एज वी नो दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज 3MgL0/4, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज -1/2 kx2, है ना। के का वैल्यू हमें दिया गया है 5Mg/L0, सो -1/2 k का वैल्यू है 5Mg/L0 और x का वैल्यू कितना आ रहा है हमें L0/4, तो L0/4 का आप स्क्वायर करोगे तो L0² / 16, L0 गेट कैंसिल, तो ये हो गया 5Mg/L0, 16 × 2 = 32। सो टोटल वर्क डन अगर मैं पूछूं, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी? इट इज 3Mg/L0/4। ओके यहाँ पर माइनस साइन नहीं डाला हमने। ओके -5Mg/L0/32, सो मल्टीप्लाइंग विथ 8, ठीक है, टू टेक एलसीएम, 8 × 3 = 24, 24 - 5 जब आप करोगे तो 19 मिलेगा, सो इट कम्स आउट टू बी 19Mg/L0/32, सो दिस इज द टोटल वर्क डन। एंड वी नो दैट टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का 0 था, एंड वॉट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? इस ब्लॉक के पास भी वेलोसिटी कितना है? बी है, जितनी वेलोसिटी इस ब्लॉक के पास होगी उतनी ही वेलोसिटी इसके पास भी होगी, सो इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv² + 1/2 mv² बिकम्स 2/2 mv², 2 and 2 गेट कैंसिल, तो क्या मिलेगा? mv², करेक्ट। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² + 1/2 mv² विच इज 2/2 mv² विच इज इक्वल्स टू mv², करेक्ट। तो वर्क डन का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग को? वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज 19Mg/L0/32, mm गेट कैंसल, सो फाइनली वेलोसिटी हम लोग को कितना आ गया? इट इज 19Gl0/32, सो दिस इज द वर्क डन, सॉरी दिस इज द वेलोसिटी। ओके सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। So the question is, a block of mass M is connected rigidly with a smooth weight by a light spring of stiffness K. If the weight is moved with constant velocity V naught, find the work done by the external agent till the maximum compression of the spring. Okay, we need to find out what is the work done by the external agent for the maximum compression of the spring. So suppose यहाँ पर external agent force F apply कर रहा है, okay, जिसकी वजह से ये वाला जो block है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ये कहाँ पर आने की कोशिश करेगा? इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और स्प्रिंग को क्या करेगा? कंप्रेस कर देगा, करेक्ट। सो देर विल बी द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, हमें फाइंड आउट करना है जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ तब एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया, ये चीज हमें पता करनी है। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस करेक्ट। ओके Now, what is the work done by the external agent? Don't know. But work done by the spring. Let's say spring में compression कितनी हुई है? X की. Okay. So, work done by the spring कितना हो जाएगा? Work done by the spring is equals to -1/2 kx². And what is the change in kinetic energy? Change in kinetic energy is equals to 1/2 mv². Correct? If I consider this entire as a system, अगर हमने इस पूरे को एक system माना है तो, ठीक है? जब भी स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। ओके सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एम वी नॉट स्क्वायर, सो दिस इज योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके नाउ क्लस कम बैक ओवर हियर, सो देयरफॉर कैन आई से दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज -1/2 kx² इज इक्वल टू 1/2 mv², इसको राइट हैंड साइड लेके जाओ, सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू 1/2 mv² + 1/2 kx², बट अभी हमें
कंप्रेशन नहीं पता कितनी कंप्रेशन हुई है, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम एक्स की वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है क्लास, नाउ क्लास लिसन केयरफुली, इस केस में ऑब्जर्वर कहां पर था, ग्राउंड पे था, बट व्हेन दिस ऑब्जर्वर विल कम ऑन द प्लैंक, अभी ये ऑब्जर्वर इस प्लैंक के ऊपर आ गए, तब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर इज वी, है ना, और इस प्लैंक की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, प्लैंक की वेलोसिटी तो वी थी, वी नॉट थी, ओके, अभी ऑब्जर्वर की भी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी नॉट हो गई, इफ दोनों की वेलोसिटी अगर वी नॉट है तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी चलो हमें समझ में आता है जीरो होता है। सो नाउ क्लास, जब ऑब्जर्वर यहां पर था तब इस ब्लॉक के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक इट इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, जब ऑब्जर्वर यहां पर था पोजिशन वन पे था, जब ऑब्जर्वर पोजिशन टू पे आ गया तब ऑब्जर्वर के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो जूल हो गया, करेक्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, करेक्ट, दिस इज योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, सो दैट फॉर आई विल राइट, चलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हमें आ गया, इट्स वेरी सिंपल। नाउ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, जैसे कि हमें पता है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हमने लिया था कंप्रेशन एक्स से, करेक्ट, दिस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट पोजिशन टू, ऑब्जर्वर कहां पर है, पोजिशन टू पे है, करेक्ट, ओके, सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो यहां पर क्या है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, इट इज हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, ओके, यहाँ पर माइनस साइन आएगा बिकॉज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल करेंगे हम, तो जीरो माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पर लिख देते, माइनस माइनस गेट कैंसल, वन बाई टू गेट कैंसल, सो के एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी एम बी नॉट स्क्वायर, इफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी नॉट स्क्वायर पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर, सो इज इक्वल्स टू हाफ एम बी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टू बाई टू एम बी नॉट स्क्वायर, 2 and 2 get cancelled which is equals to mv naught square. So this is the work done by the external force that is mv naught square.